दोस्तों यहाँ पर रेड वाला सब्सक्राइब को दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए मेरा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा पास एक सेट है, इसका मॉडल है देखिए ओप्पो का A5। इसका प्रॉब्लम है, कस्टमर बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क बढ़ है वहाँ पर क्रॉस मार दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर कोई नेटवर्क ने शो नहीं कर रहा है। मैं दूसरा मोबाइल डाल के भी देखिया, इसका एग्जैक्टली नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये फिलहाल जियो का सिम कार्ड है, देखिए जियो का सिम कार्ड है फिलहाल। तो दोबारा मैं लगा के देखता हूँ ये क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इस वीडियो में। तो फटाफट मैं लगा देता हूँ, देखता हूँ ये नेटवर्क आता कि नहीं। देखिए सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। और फर्स्ट आपको चेक करना है मोबाइल का IMEI। IMEI के माध्यम से ये प्रॉब्लम होता है। *06# डाल के आपको देख लेना है। देखिए IMEI तो ठीक ठाक ही है। तो आपको सबसे पहले सेट को मैं सर्च करके एक बार देख लेता हूँ। एक बार सर्च करके देखता हूँ ये नेटवर्क में कोई दिक्कत हुआ कि नहीं। देखिए वहाँ पर ऑटो सेलेक्ट है, यहाँ पर नो सर्विस है। ठीक है, सेट खोलना पड़ेगा, सेट के अंदर प्रॉब्लम है। तो सेट को ऑफ कर देता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है सेट में। सबसे पहले आपको सिम ट्रे आपको ध्यान से खोल लेना है, यानी सिम ट्रे सेट कर देता हूँ। आपको प्यार से इस जगह से आपको खोल लेना है, हल्की प्रेस करना है। देखिए कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको प्यार से खोल लेना है। ठीक है, इसका मॉडल है ओप्पो A5। तो ये मैंने सेट कर दिया। ओके, यहाँ पर बैक स्विच, ओके बैक स्विच खोल गया, मैं संभाल के रख देता हूँ। ओके, ये आपको बैक स्विच आपको ध्यान देना है, ये साइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये नेटवर्क सेक्शन है, मोबाइल तो फिलहाल ऑफ है। सबसे पहले ये वाला पोर्शन को मैं खोल लेता हूँ। देखिए ये चार्जिंग पत्ता को ये सेट कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी ने तो जम्पर दिख रहा है, यहाँ पर किसी ने जम्पर किया। तो सबसे पहले ये वाला को हटा के मैं देखता हूँ अंदर में क्या प्रॉब्लम है। आपको ये जो केबल है नेटवर्क केबल, आपको सबसे पहले चेंज करके देख लेना है नेटवर्क केबल में कोई फॉल्ट नहीं है। तो ज़्यादातर नेटवर्क केबल में फॉल्ट होता है, तो मुझे लगता है ये तो ठीक ठाक ही है लगता है। तो एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूँ नेटवर्क केबल में कोई दिक्कत है कि नहीं। ठीक है,
तो चेक करने के लिए कि आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखना होगा, ठीक है। आप कोई कोई से मोबाइल हो, ए फाइव नहीं हो, कोई भी कोई भी मोबाइल हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। मैं ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है आई एम आई, उसके बाद आपको सर्च करना है नेटवर्क बाद, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेटवर्क केबल है, नेटवर्क केबल को आपको चेक करना है, ठीक है। तो नेटवर्क केबल चेक करने के लिए एक मेथड है, यहाँ पर ग्राउंड कर दीजिए, यहाँ पर एक पर्सन को, और यहाँ पर तो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को आपको बीप रेंज पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर बीप रेंज है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रेड वाला प्रोब को आपको ग्राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो वायर है, वायर को आपको नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर कौनस कोई भी, यहाँ पर आप टच करके देखिए, यहाँ पर बीप शो कर रहा है, इसका मतलब ये पत्ता ठीक ठाक ही है। उसके बाद आपको ये अंदर वाला जो पॉइंट है, ये अंदर वाला, ये आपको चेक कर लेना है, आपको ध्यान से चेक करना है या नहीं। देखिए मैं देखिए, यहाँ पर तो बीप दे रहा है, इसका मतलब ये वायर ठीक ठाक ही है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर वो ठीक ठाक ही है, ठीक है। मतलब या ये जो चार्जिंग बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड के अंदर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जिसने भी है, या यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये जम्पर किसने किया, जम्पर को हटा देता हूँ, ठीक है, जम्पर को हटा देता हूँ। कोई टेक्नीशियन में ये कोशिश किया तो मैं जम्पर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला तो टूट गया, या वाला को साइड कर देता हूँ, ठीक है। जम्पर को निकाल दिया मैंने, उसके बाद मैं चेक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेटवर्क पॉइंट है, यहाँ पर आपको बीप चेक करना है, ठीक है। तो मैंने बीप चेक करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए, ये बीप शो कर रहा है, माने ये लाइन ठीक ठाक ही है। उसके बाद ये वाला पॉइंट को मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर तो कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ से आपको इस वाला से आपको कोई कैपेसिटर यानी कोई शॉर्ट है, आपको देखना पड़ेगा कोई शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि मैं जम्पर तो निकाल दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो वोल्टेज शो कर रहा है, कोई के लगभग समय अभी जाता है, तो एक बार चेक ही कर लेता हूँ। नहीं हुआ तो यहाँ से यहाँ पर मैं जम्पर करूँगा।
तो एक बार सिम कार्ड लगा के एक बार चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, नेटवर्क आ चुका है। देखिए यहाँ पर नेटवर्क बार शो कर रहा है, और पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर नेटवर्क आ चुका है, वोल्टी अगर मैं कॉल लगा के मैं देख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए नेटवर्क आ चुका है, और देखिए तो दोस्तों आपको नेटवर्क एंटेना भी चेंज करके पहले देखने लेना होगा। तो मेरा तो नेटवर्क एंटेना प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेटवर्क एंटेना भी चेक करके देख लेना है। जो नेटवर्क प्रॉब्लम में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, तो नेटवर्क एंटेना आपको सबसे पहले चेंज करके एक देख लेना है, ठीक है। तो ये किसी ने जम्पर मारा था, तो उसी से एक कॉइल शॉर्ट था, तो मैंने वीडियो में देखा नहीं, मैं हाथ से अलग कर दिया वो शॉर्ट को, ठीक है। तो वहाँ पर कोई शॉर्ट है था, इसलिए नेटवर्क आ नहीं रहा था। देखिए यह बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा था जरूर एक लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।